हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपने SBI नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको कैसे फॉरगॉट करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे SBI। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमको इस वाले ऑप्शन को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ पे देखिए SBI का ऑफिशियल पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए, एक दिया पर्सनल बैंकिंग, दिया एक दिया कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो हम यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग का यूजर नेम फाइंड करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉग इन का ऑप्शन दिया है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे लॉग इन टू ऑनलाइन SBI का पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया है, एक यहाँ पे दिया न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर एंड एक्टिवेट, और नीचे दूसरा दिया है फॉरगॉट यूजर नेम और लॉग इन पासवर्ड। तो हमें यहाँ पर अपना यूजर नेम फॉरगेट करना है, तो हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए नया एक पॉपअप पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए दिया है ट्रबल लॉगिंग इन, और नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो हमको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया एक फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, एक दिया फॉरगॉट यूजर नेम दिया है, और एक दिया सेट लॉगिन पासवर्ड दिया है फॉर रिक्वेस्टेड अप्रूव बाय ब्रांच, और चौथा दिया यहाँ पे देखिए रिसेंट यूजर ID थ्रू SMS। तो हमें यहाँ से अपना यूजर नेम फॉरगेट करना है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया ट्रबल लॉगिंग इन फॉरगेट लॉगिन यूजर नेम। तो हमको अपना यहाँ पे यूजर नेम फॉरगेट करने के लिए हम अपने अकाउंट का यहाँ पे CIF नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आपको CIF नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप अपने पासबुक या स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं। तो हम अपना यहाँ पे CIF नंबर फिल करेंगे, हमने अपने यहाँ पे CIF नंबर फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया कंट्री का ऑप्शन, तो हम अपना यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया है INB रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो हमारे रजिस्टर्ड अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, हम उसको यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नीचे दिया है इंटर द टेक्स्ट एज सू इन द इमेज, हम यहाँ पे जो कैप्चा दिया है इसको यहाँ पे फिल करेंगे सेम टू सेम। तो हमने यहाँ पर अपना कैप्चा भी फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया है, हम यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे। हमने यहाँ पर अपना OTP फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ से कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP नहीं पहुंची है, तो आप यहाँ से नीचे क्लिक हेयर टू रिसेंट द OTP का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से दोबारा OTP रिसेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी OTP फिल कर दिया है, इसके बाद यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंफर्म करते ही यहाँ पे दिया लॉग इन यूजर नेम हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और लॉग इन यूजर नेम यहाँ पे देखिए शो हो गया है। तो दोस्तों आप ऐसे इजी स्टेप फॉलो करके अपने यूजर नेम का पता लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको हम क्लोज करेंगे। फिर हम अपने SBI नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करते हैं, इसको हम बताते हैं। तो आपको फिर इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉरगॉट यूजर नेम / लॉगिन पासवर्ड। तो हमको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रबल लॉगिंग इन। इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड दिया है, इसमें हमको सिलेक्ट करना रहता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई ऑप्शन दिए हैं, एक यहाँ पर दिया फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड दिया है, और फॉरगॉट यूजर नेम दिया है, और एक दिया सेट लॉगिन पासवर्ड अप्रूव्ड बाय ब्रांच, और नीचे दिया रिसेंट यूजर ID थ्रू SMS। तो हम अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं, तो हम उसको फॉरगेट करने के लिए इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे दिया ट्रबल लॉगिंग इन फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड, और फिर इसके नीचे दिया यहाँ पे यूजर नेम दिया है, हमको अपने नेट बैंकिंग का यूजर नेम यहाँ पे फिल करना है। तो हम अपना यहाँ पे यूजर नेम फिल करेंगे। यूजर नेम फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे दिया अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर जिस नंबर से हमारी नेट बैंकिंग बनी हुई है, हमको इस अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे दिया कंट्री। कंट्री फिल करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे दिया मोबाइल नंबर, जो हमारे अकाउंट नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया। इसके नीचे फिर यहाँ पे दिया डेट ऑफ बर्थ, तो हम अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नीचे दिया इंटर द टेक्स्ट एज सो इन इमेज, यहाँ पर कैप्चा फिल करने के लिए दिया है, तो हम यहाँ पर अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना कैप्चा भी फिल कर दिया है। इसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया है, तो हम यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड फॉरगॉट करने के लिए यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गई है, तो हम OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपके मोबाइल फोन पर OTP नहीं गई है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू रिसेंट द OTP पर क्लिक करके दोबारा OTP भेज सकते हैं। तो हमारे मोबाइल फोन पर यहाँ पे OTP आ चुकी है, हम इसको यहाँ पे फिल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे दिया है कि हमें अपने पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए किसके थ्रू करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे दिया यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, तो हम अपने ATM कार्ड के डिटेल्स के थ्रू अपने लॉगिन पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, तो हम अपने प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू भी अपने लॉगिन पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं है, तो आप नीचे यहाँ पे दिया रिसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन, अपने ब्रांच के द्वारा वहाँ से पासवर्ड फॉरगेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, हम यहाँ पे यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू अपना लॉगिन पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है, तो हम अपने लॉगिन पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल करेंगे।
तो हमने यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल कर दिया है। इसके बाद नीचे यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया, हम इस पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखिए दिया इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, तो यहाँ पर हमें जो भी न्यू पासवर्ड बनाना है हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर इसके नीचे दिया कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड, तो हमने जो पासवर्ड ऊपर फिल किया उसी को दोबारा यहाँ पे कन्फर्म में भरेंगे। तो यहाँ पर हम अपना न्यू लॉगिन पासवर्ड फिल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ से हम फिर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर सबमिट करते ही यहाँ पर हमारा पासवर्ड रिसेट हो गया है। यहाँ पे देखिए दिया है योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रिसेट सक्सेसफुली। तो अब हम अपने न्यू पासवर्ड से अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे इजी स्टेप फॉलो करके अपने SBI नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।